अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं अलकबीर डेवलपर्स के हवाले से, वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट हो रही है, या करंट कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिस पर ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपकी प्रॉपर्टी जो आपने बाय की थी वो कहाँ पे स्टैंड करती है, आप लॉस में है प्रॉफिट में है, ये सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं मेन डायमंड रोड के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे किंग्स टाउन के हवाले से। किंग्स टाउन फेज वन का चौधरी औरंगजेब ने रिसेंटली विजिट किया है और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि सेक्टर ए और गोल्फ इनक्लेव की डेवलपमेंट जो है वो पहले भी स्टार्ट थी, अब वॉल गिराई जाएगी और इसके ऊपर डे एंड नाइट डेवलपमेंट शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों ब्लॉक जैसे कि आपको पता है फुली बैलेटेड हैं, टाइमली बैलेट दिया गया है, तो जब बैलेटिंग होती है तो डेफिनेटली आपको पोजेशन भी टाइम पे मिलता है। डेवलपर कमिटेड है, डेवलपर ने अनाउंसमेंट दे दी है कि वह इस पे डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। जिन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनकी इन्वेस्टमेंट अब मजीद जो है डबल से ट्रिपल होने जा रही है, क्योंकि इस रोड पे उस रेट में अब प्रोजेक्ट कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें इंस्टॉलमेंट पे भी आपको कोई चीज जो है वो आप अवेल कर सकें। इसके बाद इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कमर्शियल पूरी तरह से सोल्ड आउट है, प्रॉफिट पे है। इसके अंदर जो सेक्टर ए के अंदर होम्स आए थे वो पूरी की तरह से सोल्ड आउट हैं, पूरी तरह से प्रॉफिट में है, फुल्ली डिवेल्प है वो। अवैस करनी की बात करें, हाई राइज प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो किंग्स टाउन के अंदर तमाम इमेनिटीज के साथ, पार्क जैसी सहूलियात के साथ, मेन रोड के साथ, 5 एंट्रेंसेस के साथ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किंग्स टाउन फेज 1 साबित हुआ है। और अभी रिसेंटली भी जो मेरा पार्क विलास के नाम से एक इतना बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट 5 मरला के जो पोर्शन का है, सबसे मुनासिब रेट पे इस रोड के ऊपर इससे कम रेट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे आपको डिलीवर किया ताकि क्लाइंट इन्वेस्टर और वो लोग जो अपना घर नहीं बना सकते उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 4 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया गया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए, लग्जरी इमेनिटीज के साथ। इससे पहले इससे बड़ा और इस तरह का लग्जरी इमेनिटीज के साथ इस रोड के ऊपर पहले आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा। ये करंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अभी भी अवेलेबिलिटी हासिल कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप 6 महीने साल में देखेंगे तो किंग्स टाउन सेक्टर ए में जो घरों की ऑप्शन है वो आपके सामने है कि वो आज आप डबल प्राइस में आपको कॉस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम अब बात करें इससे नेक्स्ट जो है मरियम टाउन के हवाले से, मरियम टाउन एक फुली डिवेल्प अलकबीर डिवेल्पर का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको डाउन पेमेंट के ऊपर पोजेशन की ऑप्शन मिलती है। ये ऑप्शन सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, इस रोड के ऊपर कोई भी डिवेल्पर इस तरह की ऑप्शन नहीं देता कि आप डाउन पेमेंट लाए अपना घर जो है वो बनाना शुरू करें। ये बहुत बड़ी ऑप्शन थी, फुली डिवेल्प, पार्क जैसी इमेनिटीज, कमर्शियल जैसी इमेनिटीज इसमें अवेलेबल हैं, कमर्शियल्स के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, 2 मरला 4 मरला कमर्शियल उस रेट पे दिया जिस रेट पे प्लॉट भी अवेलेबल नहीं होता। तो मरियम टाउन में भी करंटली डेवलपमेंट का काम दिन और रात बहुत तेजी से जारी है, यहाँ पे लोग अपने घर भी बना रहे हैं। वो तमाम लोग जो इंस्टॉलमेंट पे अपने घर के ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा क्यूरियस भी होती हैं इस हवाले से कि क्या हम डाउन पेमेंट पे घर शुरू करवा सकते हैं, तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है करंटली कि आप अगर डाउन पेमेंट दें, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक फुली डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और ये ऑप्शन कुछ ही देर के लिए लिमिटेड टाइम के लिए होगा क्योंकि ये पोजेशन वाले और नंबर वाले प्लॉट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किंग्स टाउन फेज 2 की, ये टाइम बीइंग रिसेंटली टाइम्स में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का हामिल अलकबीर का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की गई। इसमें भी ए ब्लॉक में बी ब्लॉक में जो नंबर्स हैं वो अलॉट कर दिए गए टाइमली और डेवलपमेंट जो है वो दिन और रात जारी है। इसमें भी अगर आप कोई ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह का ऑप्शन भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए और कुछ देर के लिए मिलता है, ये पुरानी डील्स हैं इसलिए इसके बारे में भी अगर कोई रहनमाई आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अच्छा ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो ये टाइम बीइंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट आपस में कनेक्टेड होंगे, एक तरह की इमेनिटीज के हामिल होंगे, एक तरह की डिवेलपमेंट के हामिल होंगे, स्कूल पार्क्स कमर्शियल हर तरह की इमेनिटीज इसमें पहले से अवेलेबल हैं। तो इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, डेवलप प्रोजेक्ट में अपनी चीज को मैच्योर करना चाहते हैं तो ये दी बेस्ट प्रोजेक्ट हैं। अलकबीर डेवलपर ने फेज 1 फेज 2 जिसमें आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलप किया और किस जगह पे स्टैंड करता था आज से 1 से 2 साल पहले, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कारपेट रोड के साथ, गेटेड कम्युनिटीज के साथ, ऐसे प्रोजेक्ट इस रोड पे अलकबीर से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट कोई किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। आपको टाइमली इन चीजों के बारे में आगाह करने का मकसद ये होता है कि 1 से 2 साल बाद अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो ये रीसेल में मिलेगा। उस टाइम पे लोगों के कंसर्न बहुत ज्यादा होते हैं कि शायद हम इंस्टॉलमेंट पे अवेल कर सकें,
लेकिन जितनी इधर डेवलपमेंट, जितनी इधर इमेनिटीज दी जा रही हैं, तो ये आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इंस्टॉलमेंट पे अपनी अच्छी चीज को मैच्योर करना चाहते हैं। मजीद मालूमात के लिए, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदे आपकी रहनुमाई के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।